यहां पर क्या नाम था, एमडी कलेक्शंस। हम इसको सर्च करते हैं, एमडी कलेक्शंस अपनी जो वेबसाइट का नाम है, जो हम बना रहे हैं शॉपिंग की वेबसाइट, ठीक है, उसको हमने यहां पर टाइप किया। लोडिंग के बाद थोड़ा सा ये ले आ जाएगा आपके सामने पेज। अच्छा, इसको चेक करते हैं सिद्रा, मैं चेक करता हूँ इसको क्या इशू आ रहा बाद में। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट लोड होके हमारे सामने आ चुकी है। हमने ये चीज़ें देखिए अपनी वेबसाइट में ऐड की हैं, फीचर्ड, बेस्ट सेलर, वो सारी चीज़ें, यहाँ पर प्राइस वगैरह आ रही है, वो देखा आपने यहाँ पर। ये देखें आपकी फ्री शिपिंग और वो आ गई, आपने ये चीज़ें पुट कर दी, आपने कॉन्टैक्ट इन्फो पुट कर दिया, इसको आप बेशक डिसमिस कर दें, ये नोट्स हैं। कल हमने कुछ बातें की थी, हमने क्या क्या बनाना है। वेरिएबल डाउनलोड प्रोडक्ट्स और अबाउट कंटेक्ट और ब्लॉग का पेज लेटेस्ट न्यूज एड ऐड करनी थी। नोट हो गया। ठीक हो गया। अभी हम ऐड करेंगे एक वेरिएबल प्रोडक्ट को। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन का पेज हमने नहीं बनाया। अब लॉगिन का ऑप्शन आता है, रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आता हमारे पास। अच्छा, इसमें वू कॉमर्स और ई कॉमर्स में, अच्छा क्वेश्चन है। ई कॉमर्स आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट क्रिएट करना, ई कॉमर्स इसको बोलते हैं, बिजनेस ऑनलाइन ई कॉमर्स ही होता है। जो वू कॉमर्स है वो तो डिफरेंट चीज है, वू कॉमर्स प्लगइन का नाम है, ठीक है, वो कंपनी ने नाम रखा है प्लगइन का वू कॉमर्स, तो वू कॉमर्स कोई ऐसी टर्म नहीं है, वो प्लगइन का नाम है, ठीक है, वू कॉमर्स प्लगइन है। ई कॉमर्स तो आपका आपका यूज होता है जिस तरह ई मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग की आपकी सेल परचेज, वो आपका ई कॉमर्स। वू कॉमर्स प्लगइन का नाम है जस्ट। मरियम सुहेल को मैंने किया है। अच्छा, हमने रजिस्टर का पेज नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि लॉगिन का पेज आ रहा है, पर रजिस्टर का पेज होगा तो लॉगिन कर सकूंगा ना। क्लाइंट यूजर कैसे आपके उस पर रजिस्टर होगा, मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने लॉगिन का पेज आया। भाई रजिस्टर का कोई पेज नहीं आ रहा आपके पास, तो आप पहले चले जाएं, पहले आप इसके एडमिन पैनल में जाएंगे। एडमिन में कैसे जाया जाता है आप लोगों को पता है, अपनी वेबसाइट के आगे, ये देखें यहाँ तक वेबसाइट है, आगे wp-admin टाइप करें, wp-admin, लॉग इन करते हैं।
अच्छा जी, अब आप चले जाएं, एक मिनट, प्लगइन्स में जाएं, कोई अपडेट आई होगी प्लगइन्स में। ये जो दो लिखा रहे हैं ना, ये बता रहा है कि कोई ना कोई अपडेट आई है। अच्छा जी, ये देखें, ये लाइव मैश डाउन का एक न्यू वर्जन आ गया, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, इस पर अपडेट आ गया। प्रीमियम डाउन में एक न्यू वर्जन आ गया, इस पर अपडेट आ गया। हीरा, आपने प्रीमियम डाउन देखा, किया हुआ है? प्रीमियम प्रोडक्ट आपको बैनर मिल जाएगा अगर आपने किया होगा तो। जी सर, ठीक है। मैंने इनको ये कर दिया, ये भी हो जाए अपडेट। ये अपडेट आपने कर लेनी होती है, जो चीज़ अपडेट होगी। अब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं ऑन की, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। वो कॉमर्स में जाएं, वो कॉमर्स में सेटिंग में चले जाएं, वो कॉमर्स में सेटिंग में चले जाएं। इधर आप अकाउंट एंड प्राइवेसी में चले जाएं। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन किधर है? ये देखिए, अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। ये आपने दो चीजें अनचेक की हुई, आप इनको चेक कर दें, ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर दें इनको, तो फिर आपका अकाउंट क्रिएशन का हो जाएगा, ठीक है। सेव चेंज कर दें यहाँ पर, अभी आपको आपका अलाउ किया जाएगा, आप अकाउंट भी बना सके। देखें, एमडी कलेक्शंस में जाएं, विजिट साइट पर क्लिक करें और ओपन लिंक में जाएं, आपके सामने आपकी वेबसाइट आ रही है। आप टॉप बार में लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करें। मैं लॉगिन हूं, मैं लॉग आउट हो जाता हूं, मैं लॉग आउट हो गया, देख रहे हो? जो ही मैं लॉग आउट हुआ तो एक रजिस्टर का पेज मेरे सामने आ रहा है, मतलब लॉग इन करो। रजिस्टर का पेज जरा ब्लर है, जरा मध्यम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा, और जो लॉग इन का पेज आपका, मतलब जो लॉगिन की हेडिंग है वो आ रही है, मतलब ये बता रही है कि यहाँ पर लॉगिन का पेज आ रहा है सामने। आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, है ना, आपके पास रजिस्टर का आ गया। अब कोई नया यूजर रजिस्टर होना चाहता है, वो अपना ईमेल लिखेगा जस्ट, ठीक है, ईमेल लिख के रजिस्टर हो जाएगा। योर पर्सनल डाटा विल बी यूज टू सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस वेबसाइट, टू मैनेज एक्सेस टू योर अकाउंट एंड फॉर अदर पर्पज डिस्क्राइब इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। वो कहता कि आपका जो मतलब डाटा होगा वो इस वेबसाइट के लिए जस्ट होगा, कोई उसके छेड़छाड़ नहीं की जाएगी उसके साथ। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल जाएगा, आप रजिस्टर हो जाओगे वेबसाइट पे, ठीक है। तो रजिस्टर का भी हमने अकाउंट बनाना था, वो भी हमने, और सॉरी, पेज बनाना था, वो भी हमने बना ली। अच्छा जी, अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, देखें वो साथ ही मुझे भी, मतलब लॉग आउट जो हो गया ना, मैं आ गया, इधर भी मैं लॉग इन कर देता हूँ, क्योंकि मैं लॉग इन हूँ। ये यूजर को नजर आ रही है, ये जो वेबसाइट है ना, ये यूजर को नजर आती है। मैडमन का काम तो इधर होता है, आपका काम इधर होता है, बट आपने इस चीज को भी देखना होता है, क्लाइंट को क्या क्या दिखा रहे हो आप, कस्टमर को क्या क्या नहीं दिखा रहे, ये चीजें भी तो देखनी होती है ना आपने। तो यहाँ पर आज हमने ऐड करनी है जी वेरिएबल प्रोडक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल प्रोडक्ट्स, एक होती है सिंपल प्रोडक्ट्स, एक होती है वेरिएबल प्रोडक्ट्स। सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट सादा प्रोडक्ट, जिसकी कोई तो रंग नहीं होता आपके पास, ठीक है, कलर्स नहीं होते आपके पास, मतलब एट्रीब्यूट नहीं ना होते, आप डिफरेंशिएट नहीं करते उसको एट्रीब्यूट की बेस पे। ये नहीं कि बेसिक से उसके नहीं होते, उसके होते हैं, बट आपके पास नहीं है, आपकी शॉपिंग के अंदर नहीं है, स्टोर के अंदर नहीं है, कैटलॉग के अंदर नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास उसके कलर नहीं आए, बस ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कलर आ गए, मतलब रेड ही आ गया, रेड रेड कलर की शर्ट्स आ गई, बस साइज भी नहीं आया आपके पास, एक ही साइज की शर्ट आ रही है, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका सिंपल प्रोडक्ट, काफी क्लाइंट्स इतनी खपत में नहीं पड़ते, सिंपल प्रोडक्ट में कर देते हैं, तो वहां पर लिख देते हैं कि जी कलर्स अवेलेबल हैं, नीचे कलर लिख देते हैं। बट काफी ऐसा करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, प्रोडक्ट को बकायदा डालें कि क्लाइंट जब रेड कलर पे क्लिक करे तो उसको रेड शर्ट नजर आए, जब वो ग्रीन कलर पे क्लिक करे तो उसको ग्रीन शर्ट नजर आए। वो कहते हैं प्रॉपर ही चलना चाहिए, नहीं तो वो डिस्क्रिप्शन में बयान कर सकते हैं, मतलब सिंपल प्रोडक्ट ऐड करें, वहां पर लिखे हैं हमारे पास लार्ज भी पड़ा है,
स्मॉल भी पड़ा है, मीडियम भी पड़ा है, रेड भी पड़ा है, ग्रीन भी पड़ा है, ब्लू भी पड़ा है, इनमें से आप कोई भी ऑर्डर कर सकती हैं। ऑर्डर में क्या होगा, जब ऑर्डर करेंगे वहां पे कलर वो पूछ लेंगे आपसे, मतलब आप उधर लिख देंगे कि मुझे रेड चाहिए ब्लू चाहिए, बट असल चीज क्या है, असल तो ये होनी चाहिए कि आप जो वहां पर सिलेक्ट करें वही जाना चाहिए। रेड पे क्लिक किया, रेड कलर आए, रेड की ही प्राइस आए, तो कलर अच्छा। मुझे ये बताएं, मीडियम शर्ट है, मीडियम शर्ट है, कलर उसका रेड है, मीडियम शर्ट है, कलर उसका रेड है, एक स्मॉल शर्ट है, कलर उसका रेड है, तो प्राइस फर्क आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताएं। रेड मीडियम में, रेड स्मॉल में प्राइस का फर्क आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा, आएगा, ठीक हो गया। मैं कहता हूं लार्ज या मीडियम, चले मीडियम शर्ट है, एक ग्रीन कलर में है, एक मीडियम ब्लू कलर में है, तो प्राइस का फर्क आएगा? मीडियम में और मीडियम रेड में, मीडियम ब्लू में, कोई प्राइस का फर्क आएगा? नो सर, कलर पे फर्क, कलर पे फर्क नहीं आता प्राइस का, ठीक है, कलर पे इशू नहीं होता, साइज पे इशू होता है या ब्रांड पे इशू होता है, मतलब एक ब्रांड अच्छा है, एक जरा नॉर्मल है, उसकी इतने की या उसकी इतने की, तो ब्रांड्स पे होता है सर। तो आप, हम चलते हैं एक प्रोडक्ट को ऐड करने की तरफ, ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट। मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, क्या है जी, इन्होंने अगर कोई वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड की हुई तो उसको देख के हम ऐड करेंगे, हम जरा कलर ज्यादा ऐड कर लेंगे। तो इनकी प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं शॉप के पेज पे, शॉप के पेज पे जाके हम देखते हैं, इन्होंने इसको मेरे ख्याल में ज्यादा कलर्स में ऐड किया, नहीं इसको भी नहीं किया, इन्होंने किसको ऐड किया है, इसको चेक कर लेते हैं, उसके कलर्स यहाँ पर आ रहे होंगे अगर आपका वेरिएबल प्रोडक्ट होगा, इसको भी नहीं किया, इसको चेक करें, इसको भी नहीं किया, तो वेरिएबल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नज़र अभी तक नहीं आया, ये शायद उन्होंने ऐड ही नहीं किया, लेकिन मैंने देखा था उस दिन कि इसने कोई वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं ऐड किया। वेरिएबल प्रोडक्ट का यहाँ पर कलर वगैरह आ रहे होते हैं, ये देखिए ये आ गए ना, ये इनका वेरिएबल प्रोडक्ट है, 1100 से 1600 के दरमियान। क्या मतलब 1100 से 1600, मतलब इसकी प्राइस है कि मतलब मीडियम है, कोई स्मॉल है, इस तरह की प्राइस है, मतलब मीडियम स्मॉल की होगी 1100, मीडियम की होगी 1300, लार्ज की होगी 1600, इस तरह की प्राइस है, दो है मीडियम और लार्ज और मीडियम इनके पास, देख रहे हो। अब मैंने जू ही क्लिक किया, प्राइस को देखिएगा, मैंने ब्लू पे क्लिक किया, जो ही मैंने ब्लू पे क्लिक किया, इन्होंने इमेज नहीं चेंज किया, ब्लैक पे इमेज भी बकायदा चेंज होना चाहिए, ब्लू का इमेज आना चाहिए ना, फिर इसने तो ये नहीं किया काम, ठीक है, इसने नहीं किया, ये देखें इमेज भी नहीं चेंज हो रहा, कलर ब्लैक आ रहा है, मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ, ब्लैक मीडियम, ब्लैक लार्ज, ब्लू पे किया, ये ब्लू इसको कह रहे, प्राइस भी नीचे आ गई 1100, मीडियम की 1100 है, लार्ज की 1250 है, मीडियम की 1100, लार्ज की 1250, और ब्लू लार्ज की 1600 है। अच्छा, इसने साइज पे, सॉरी कलर पे भी प्राइस चेंज की है, तो हो सकता है ना भाई, जो कलर अच्छा है, मतलब आप कहेंगे ये कलर ज्यादा बिकता है उसकी प्राइस बढ़ा दें, ये जरा कलर कम बिकता है तो उसकी प्राइस कम कर दें, ये भी हो सकते हैं, बट जनरली नहीं होता ऐसा। इसने कलर पे भी प्राइस चेंज की हुई है, वही लार्ज है, लार्ज ब्लैक में दे रहा है 1250 की, लार्ज ब्लू में दे रहा है 1600 की, मतलब मजा नहीं आता इस चीज का, ना ही के कलर पे आप प्राइस चेंज कर रहे हो भाई, ऑप्शन कस्टमर के पास होता है, अगर ब्लू 1300 की है तो रेड भी 1300 की होनी चाहिए, बट अपने स्टोर की भाई डिमांड है, अपने अपने क्लाइंट कुछ भी कह सकते हैं आपको, तो आप उस कुछ भी जो कहे वो करना होता है आपने, वो कहे जी नहीं मैंने ये कलर इतने का देना है, और ये कलर पे भी अगर वो लगाते हैं तो लगा सकते हैं, तो हम भी ऐसे ही शर्ट को एंटर करेंगे। मैं अपनी मीडिया में देख लूँ कौन कौन सी शर्ट्स पड़ी है, मैं मीडिया में जाता हूँ, प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ, अच्छा जी मैं ऐड करूँगा किसको, ये देखें ये
ये ब्लैक में, इसको ब्लैक कह लेते हैं, इसको ग्रीन कह लेते हैं, रेड, इसको ब्लू। हमारे पास चार आ गए, एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं अभी, उसमें चार कलर ऐड करने हैं हमने। पहले मैं आपको दो ऐड करके दिखाऊंगा, चार में कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सिर्फ दो कलर ऐड करके दिखाऊंगा। कौन कौन सा? ग्रीन और रेड, सिर्फ दो कलर आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ग्रीन और रेड। स्मॉल इनका जो वो है साइज है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? स्मॉल में भी पड़ा है, मीडियम में भी पड़ा है, लार्ज में भी पड़ा है, ठीक है, और रेड और ग्रीन में पड़ा है। आ जाए जी, प्रोडक्ट को ऐड करना है। कहाँ से ऐड करना है? प्रोडक्ट्स में चले जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें, प्रोडक्ट आपका ऐड होने की तरफ आपको ले जाएगा, आपको ऐड के पेज पे ले जाएगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब इसका मुझे नाम नहीं आता, क्या मैं नाम रखूं, तो मेरी मर्जी है। ब्रांडेड हाफ स्लीव, स्लीव ऐसे ही होता है, स्लीव देख लें अभी। शॉर्ट स्लीव डीकंस्ट्रक्टेड ग्रीन लीफ टी शर्ट, मैंने कहा जी ब्रांडेड हार्ट स्लीव टी मैंने ये चीज डाल दी, नाम इसका डाल दिया। डिस्क्रिप्शन भाई lipsum.com पे जाओ, जो मर्जी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो, नहीं तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, वो कहेगा पांच जो प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ऐड करके दो, तो आपने फिर ऐड करनी है, कितनी देर लगती है? उसे कहना जी ये डिटेल मुझे दे दें, मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया आपने, डिस्क्रिप्शन देकर जरा नीचे आए, ओशियन WP का आपने प्लगइन किया था, ओशियन WP एक्स्ट्रा, ये आपको यहाँ पर ऑन देता है, यहाँ आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी पेज में साइड बार को ऐड करें या ना करें। मैंने कहा भाई साइड बार तो नहीं ऐड होना चाहिए, फुल विड्थ कंटेंट आए, ठीक है जी, फुल विड्थ कंटेंट आ जाएगा। नीचे आ जाए जी, अब प्रोडक्ट कौन सा इंस्टॉल करना है, मतलब ऐड करना है, सिंपल नहीं भाई, यहां से सिलेक्ट करें वेरिएबल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको, वेरिएबल प्रोडक्ट। अच्छा वेरिएबल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब किस तरह, कलर की बेस पे, ब्रांड की बेस पे, मतलब कंपनी की बेस पे, साइज की बेस पे, हो सकता है ना ये डिफरेंशियल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेरिएशन, प्लगइन्स में चलते हैं, अभी प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए तो हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस प्लगइन का नाम है यहां पर आ जाए, वेरिएशन VARI वेरिएशन, वेरिएशन स्वाचिस, वेरिएशन स्वाचिस, जस्ट वेरिएशन लिखेंगे आपको तब भी मिल जाएगा, वेरिएशन स्वाचिस पूरा लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। तो वेरिएशन स्वाचिस में आपने कौन सा लेना, कितने सारे आपके पास आए ना प्रोडक्ट स्वाचिस, 10,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन, 9,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन, 3,000 प्लस, तो ये देखें 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन बाय इमरान अहमद, ये आपने लेना है वेरिएशन स्वाचिस फॉर वूकॉमर्स बाय इमरान अहमद, इसको आप इंस्टॉल कर लें। वेरिएशन स्वाचेस इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी कर दें यहीं से, एक्टिवेट भी हो गया। अच्छा जी,
आप चले जाएं आप प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में गए, ऑल प्रोडक्ट्स में देखें, आप प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। जब आपने वेबसाइट बनानी होती है आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देख रहे हैं। अच्छा, जो हमने प्रोडक्ट बनाई है वो ड्राफ्ट में पड़ी, इसको आप डिलीट ही कर देते हैं, अभी तक हमने इसको नहीं इस्तेमाल किया, तो इसको यहाँ से ट्रैश कर दें, बना लेंगे दोबारा से। अच्छा, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एट्रीब्यूट्स, आप यहां से एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं, जो जो एट्रीब्यूट्स आपने बनाने हैं, आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं, आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तब भी ऐड कर सकते हैं, तो एट्रीब्यूट्स को ऐड करने जाते हैं। मैं एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूं, देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स लेट यू डिफाइन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाटा सच एज साइज और कलर, यू कैन यूज दीज एट्रीब्यूट्स इन द शॉप साइड बार यूजिंग द लेयर्ड नेव विजेट। ठीक है, यहां पर आ जाए, नेम लिखें, मैं लिखता हूं नेम एस आई जेड इज साइज, इसका स्लग स्लग मैंने रखा साइज, नहीं इसको छोड़ दें, टाइप इसकी कलर लेना है, इमेज लेना है, बटन लेना है, मैंने कहा जी बटन लेना है, इमेज तो नहीं लेना, मैंने साइज नेम रखा है इसका, स्लग, स्लग क्या होता है, यूआरएल का पार्ट, ये जिस तरह एट्रीब्यूट लिखा रहा है इस तरह स्लग लिखाएगा ऊपर, और साइज लिखाएगा, बटन चाहिए, डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डरिंग मतलब कैसे आए वहां पर, ये लार्ज मीडियम स्मॉल या कैसे आए, ठीक है, मतलब ऑर्डर के साथ आए, मैंने कहा नहीं भाई इसको आए नेम के साथ आ जाए, बाद में भी चेंज कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कस्टम ऑर्डरिंग कर दें इसको, मैंने क्या लिखा साइज, एट्रीब्यूट्स में जाके साइज को मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा साइज भी ऐड हो गया, एक और ऐड करते हैं कलर, कलर इसका मैंने स्लग रखा, टाइप कलर रखी, कस्टम ऑर्डरिंग की चलाएं, ऐड एट्रीब्यूट कर दें, दो एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिए, यहां पर कंपनी भी ऐड हो सकती है, ठीक है, मतलब किस कंपनी का आपके पास ये है जो शर्ट है आपकी, वो कंपनी भी ऐड हो सकती है, नेम और साइज दो एट्रीब्यूट हमने ऐड कर दिए, अब इन पे कलर में कौन कौन से कलर हो सकते हैं आपके पास, मतलब आपकी इसमें स्टोर में किस किस कलर की चीजें हो सकती हैं भाई, रेड ग्रीन ब्लू गोल्डन हो सकती हैं, चूज तो आपने जब प्रोडक्ट क्रिएट करने तब करनी है ना, ये तो आप जनरली ऐड कर रहे हो पूरे अपने स्टोर के लिए कि क्या एक्सक्यूज मी क्या सर, आपके पास हो सकती हैं, ठीक है, सर स्टोर जी में। जी जी सर, ये टाइप में एक जगह मैं कलर आ रहा है, एक जगह बटन आ रहा है, ऐसा क्यों है? और टाइप का थोड़ा सा मुझे आपको प्लीज टाइप में ये बता। देखें, यहां पर आप वो नैयर की वेबसाइट में थे, नैयर में प्रोडक्ट पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये देख, ये थी, ये तो नहीं थी, ये थी, ये देख, ये इसको बोलते हैं कलर, और ये होता है बटन, वो पूछ रहा था कि जो साइज है, आप आपकी अकल तो काम कर रही थी ना, साइज का कलर तो नहीं होता, मतलब साइज के एट्रीब्यूट्स आगे कलर होते हैं, इसका हमें बटन चाहिए था इस तरह का, देखिए इधर बटन बना आ जाए साइज के, जबकि कलर के लिए हमें कलर ही चाहिए, बटन नहीं चाहिए, ठीक है, अगर कोई इमेज है तो उसके लिए इमेज होती है, तो ये बटन चाहिए था मुझे, इसलिए फिर मैंने इसको बटन ले लिया वहां पर, ऐसा बटन चाहिए था मीडियम और लार्ज के लिए, ना कि मुझे इमेज चाहिए थी वहां पर, नहीं तो इमेज मुझे अपलोड करना पड़ता, अच्छा जी कलर और साइज, इमेज का भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, चले वो बाद में करके दिखाऊँ, साइज का बटन लिया, कलर का कलर ही लिया, मैं कलर को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं, कॉन्फ़िगर टर्म्स पे मैंने क्लिक कर दिया, देख रहे हैं जो ही कॉन्फ़िगर कलर पे क्लिक किया तो यहां पर आ गया प्रोडक्ट का कलर, एट्रीब्यूट टर्म्स कैन बी असाइन टू प्रोडक्ट एंड वेरिएशंस, नोट डिलीटिंग अ टर्म विल रिमूव इट फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड वेरिएशन टू विच इट हैज बीन असाइंड, रिक्रिएटिंग अ टर्म विल नॉट ऑटोमेटिकली असाइन इट बैक टू द प्रोडक्ट, वो कहता कि अगर आप एक टर्म यहां पर बनाते हो, लाइक आपने ब्लू कलर बनाया और ब्लू कलर आपने प्रोडक्ट्स को लगाया भी हुआ है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ब्लू आपके पास अवेलेबल है, गलती से कहीं आके आपने यहां से वो ब्लू कलर डिलीट कर दिया, तो जहां जहां जिस जिस प्रोडक्ट को आपने ऐड किया था वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा, अगर आपने कहा हो डिलीट हो गया मैं दोबारा से लगा देता हूँ ब्लू, तो वो कह रहे हैं दोबारा से लगाने का फायदा नहीं होगा, वो दोबारा नहीं लगेगा, क्यों, आपने यहां पर बना देना है, आपको दोबारा प्रोडक्ट्स में जाके लगाना पड़ना है कि कौन कौन सा ब्लू में अवेलेबल है, तो गलती नहीं करनी, डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट पड़े रहते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट भी पड़े रहते हैं जिनकी कोई प्रोडक्ट ही नहीं होती, लेकिन हमने ऐड करना होता है, क्लाइंट फ्यूचर में कोई गोल्डन की चीज लेके आ सकता है, कोई
इस तरह की, तो हम 5-7 कलर क्लाइंट को ऐड करके दे देते हैं। तो अगर उसने एक्स्ट्रा करना भी हो कि यार ये कलर नहीं मेरे पास आ रहा, तो प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। वेरिएबल प्रोडक्ट जो ऐड करना है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, वो उसको समझाना पड़ेगा। तो वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए वो आपको मतलब मसले में डाल सकता है, आप उसे कहें जी मैं ही ऐड कर देता हूँ, कितना टाइम लगता है वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने में, आप उससे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करने के पैसे भी ले सकते हैं आप उससे। तो लोग आप प्रोडक्ट ऐड करने की वेबसाइट भी बना सकते हैं। अच्छा जी, कलर में आ जाए, नेम कलर लिखे रेड, क्या लिखा आपने रेड, प्लग इसका रेड कर दिया, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं छोड़ दें, यहां से कलर सेलेक्ट कर लें, ये टाइप देखा, ये यहां से कलर सेलेक्ट करें, कौन सा लेना है आपने रेड, मैंने रेड चूज कर दिया, यहां पर देख लें रेड इसके लिए आ गया, मैंने ऐड कर दिया एक कलर, मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, देखिए ऐड हो गया प्रोडक्ट के कलर में, मैंने कहा जी ग्रीन स्लग, ग्रीन स्लग हमेशा छोटी में लिखा करो, छोटी एबीसी में, कलर ग्रीन चूज करें, यहां से ग्रीन चूज किया, ऐड कर दिया, कलर भी ऐड हो गया। मैं एक और ऐड करता हूं ब्लैक, ब्लैक स्लग को मैंने लिखा ब्लैक, यहां से चूज किया मैंने ब्लैक, तीन एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिए, चौथा एट्रीब्यूट फिर ऐड करता हूँ वाइट, दे दिया मैंने वाइट, कलर में गया वाइट ऐड कर दिया, चार मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी, सॉरी कलर ऐड कर दिए। ये यहां पे जस्ट जनरली ऐड कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट को हम अपनी मर्जी से देंगे, भाई कलर तो इतने ऐड है, तो प्रोडक्ट मेरे पास सिर्फ ब्लैक में और ग्रीन में पड़ी है, तो फिर मैं ब्लैक और ग्रीन प्रोडक्ट को चूज करते वक्त दूंगा। ये ऑप्शन यहां पर ऐड करने का मकसद है कि वहां पर आपको नजर आए प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। नेम लिखे ब्लू, स्लग दे दें ब्लू, यहां से चूज करें ब्लू, पर्पल चूज कर लें, चले ब्लू ही करते हैं, पर्पल भी ऐड कर सकते हैं हम, चलें जी ये ऐड हो गए सारे। ठीक है, अच्छा जी अब चलते हैं हम तमाम एट्रीब्यूट्स की तरफ, जो जो है कलर मैंने ऐड कर दिए, देख रहे कलर के आगे सारा कुछ लिखा रहा है, ब्लैक ग्रीन ब्लू, इस तरह साइज भी ऐड करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। स्मॉल के लिए एसएमएल स्मॉल पूरा लिख लो या जस्ट एस लिख लो, मैं एस लिखता हूं, लग में पूरा स्मॉल लिख देते हैं, ऐड कर दिया, एम लिख देता हूं मीडियम के लिए, मीडियम पूरा टाइप कर दिया, ऐड कर दिया, ये चीजें आप डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन डालनी चाहे तो, लार्ज लिख दिया एल डाल दिया यहां पर, लार्ज यहां पर टाइप कर दिया, ऐड कर दिया, ये मैंने तीन इसके भी ऐड कर दिए। चलें जी एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड कर दिए, अब प्रोडक्ट पे दोबारा चलते हैं, ये जस्ट एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट थे, ये उस उधर जाते वक्त भी मैं ऐड कर सकता था बट मैंने पहले कर दिए, क्योंकि हमने तो क्लाइंट के लिए बनानी होती है ना, हम पॉसिबल चीजें ऐड कर देते हैं पहले से, क्लाइंट को मसला ना आए, ठीक है, कि वो उसे नहीं पता हम उधर जाके ऐड करते हैं, वो जब प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, आप मैं क्लाइंट को वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं आपके कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट में, ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट, मैंने जस्ट इतना टाइप लिप्सम में मैंने डिटेल डाल दी, कितनी बड़ी देख रहे हैं, कंटेंट का लेआउट फुल विड्थ मैंने सेलेक्ट किया और इसको बंद कर दिया। प्रोडक्ट में गया मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, देख रहे हैं टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड GST 10 लग रहा है इस पे। इन्वेंट्री में आ जाए, यहां पे आप डाल सकती हैं इसका SQ यूनिट क्या डालें हम, BHS अपनी मर्जी का डाल देते हैं, ब्रांडेड हाफ स्लीव, अनेबल स्टॉक
बिल्कुल इनेबल करना है, बट रुके यहाँ पर, लास्ट में आ जाए आप एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, एट्रीब्यूट ऐड करें इस प्रोडक्ट के लिए, मैं यहाँ पर आया, मैंने कलर को ऐड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सा आइटम ऐड करना है? मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास रेड है, दो आइटम ऐड करें जस्ट। लिखें, सेलेक्ट करें यूज्ड फॉर वेरिएशन, साइज पे चले जाएं, पहले कलर को सेव कर दें, जाएं ऊपर साइज में के, पहले ऐड किया साइज को इधर। साइज कौन कौन से हैं इस प्रोडक्ट के लिए? मीडियम भी है, लार्ज भी है, लार्ज मीडियम स्मॉल, साइज तीनों या कलर दो थे। यूज फॉर वेरिएशन सेलेक्ट करें, ऐड कर दें, देख रहे हैं दो ऐड कर दिया आपने, दो आपके एट्रीब्यूट्स ऐड हो चुके हैं इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आप वेरिएशंस में चले जाएं, जो ही आप वेरिएशंस पे जाएंगे तो देखिएगा ऊपर से कितनी चीजें ऐड होती हैं आपके पास। यहाँ पर आ जाए, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने बनाए हैं उनकी वेरिएशन बना दें। अब क्रिएट कीजिएगा, कितनी वेरिएशन आएंगी, हर वेरिएशन आपकी, देखें मैं आपको बताता हूँ वेरिएशन कैसे कैसे आएगी। आपने 100 चीजें परचेज की हैं, एक तो आज अभी रुकें जी, वेरिएशंस कितनी आएंगी आपने देखने। कलर रेड है, देखिएगा जी, अभी नोट कीजिएगा, कलर रेड, रेड में मीडियम भी होगी, रेड में स्मॉल भी होगी, रेड में लार्ज भी होगी, कितनी आपके पास आएगी मुझे आपने गिन के बतानी है। रेड में मीडियम, रेड में लार्ज, रेड में स्मॉल, ग्रीन में मीडियम, ग्रीन में लार्ज, ग्रीन में स्मॉल, तो कितने स्वाचीज आने चाहिए आपके पास यहां पर, कितनी वेरिएशंस आ गई हैं बताएं जी, कितनी चेंज चीजें आई हैं, रेड और ग्रीन, रेड और सॉरी रेड और स्मॉल लार्ज, रेड स्मॉल, रेड मीडियम, तीन चीजें होगी, ग्रीन लार्ज, ग्रीन स्मॉल, ग्रीन मीडियम, छह चीजें होंगी। तो यहां पर आ जाएं, ऐड कर दें, ये देखिए कितनी स्वाचेज ऐड होंगी आपको ऊपर बताया गया, यहां पर छह वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी, छह ही मैंने आपको बताया ना, छह वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। यहां पर आपने गौर करना है, यहां पर ही आपने क्वांटिटी देनी है, यहां पर ही आपने सारी चीजें, इन्वेंट्री में, इसलिए मैं वापस आ गया इन्वेंट्री से कि मैंने मैनेजमेंट जो करनी है वो यहां पर नहीं करनी, मैनेजमेंट मैंने वहां जाके करनी है वेरिएशंस में। वेरिएशन ऐड हो चुकी है मेरे पास, ठीक है, अब मैं देखें पहला वेरिएशन कौन सा है, ग्रीन लार्ज, मैं यहां पर ओपन करूंगा, जो ही मैंने इधर क्लिक किया वो कह रहा है इसके लिए कोड बनाओ, जो तो ऊपर कोड बनाया वो तो सबके लिए बना, इसके लिए कोड बनाओ, मैं क्या कोड बनाता हूं, BSH ब्रांडेड हाफ स्लीव, एच एस ब्रांडेड है हाफ स्लीव, GL ग्रीन लार्ज, देख रहे हो ऐसे क्यों मैंने बना दिया, मतलब जो मर्जी बनाते हैं जरूरी नहीं, बट मिलता जुलता हमने बना दिया ना, BHS ब्रांडेड हाफ स्लीव ग्रीन लार्ज, ये बना दिया अनेबल्ड। अच्छा कह रहा है स्टॉक को मैनेज करना है, बिल्कुल करना है, दो तरीके हैं स्टॉक को, एक आप बड़े लेवल पे मैनेज करें, एक आप हर प्रोडक्ट के लिए मैनेज करें। बड़े लेवल पर कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको बताता हूं, चलते हैं उधर इन्वेंटरी में, अनेबल करें स्टॉक की मैनेजमेंट। टोटल मेरे पास जो है कितनी प्रोडक्ट्स आई हैं, 600, कितनी प्रोडक्ट हैं 600 टोटल आई हैं, फॉर एग्जांपल दे रहे हो ना, या 1200 कर लें, जैसे मर्जी कर लें, और मैं यहां पर लो स्टॉक थ्रेशोल्ड डाल देता हूं 100, 100 रह जाए तो बता दें मुझे, मैं अब जाऊंगा वेरिएशंस में, वहां से मैं टोटल याद रख रहे हैं 600 आई है आपके पास, टोटल कितनी आई है 600 आई है ऊपर, यहां पर अनेबल कर दिया मैंने, मैनेज भी स्टॉक कर दिया, इधर भी मैनेज करना है, छोटे लेवल पर भी मैनेज करना है, क्यों, टोटल तो 600 आ गई है, और ये भी तो पता होना चाहिए ग्रीन कितनी आई है, रेड कितनी आई है, ग्रीन में लार्ज कितनी है, ग्रीन में स्मॉल कितनी है, ग्रीन में मीडियम कितनी है, मैनेजमेंट तो नहीं ना हो पाएगी अगर आप ये नहीं लिखेंगे, वो कह देगा जी ग्रीन, बस ग्रीन में आपने ऐड कर दिया जी 100 आई है, 600 आई है,
अब क्लाइंट वहां पर ऐड अपना ऑर्डर दे देता है ग्रीन और स्मॉल का, क्या पता ग्रीन और स्मॉल आपकी इतनी बिक गई हो, बड़ी बड़ी हो, दूसरी दूसरी रहती हो, तो इसलिए इसकी भी मैनेजमेंट करें। यहां पर रेगुलर प्राइस कितनी है, कौन सी है भाई, ग्रीन लार्ज, लार्ज की मैं रखता हूं 1800 प्राइस। सेल नहीं इसकी देनी, अभी हमने सेल इसकी नहीं देनी है, हमने रेगुलर की कितनी मैंने रखी, प्राइस 1800 इसकी ग्रीन लार्ज की, क्वांटिटी टोटल 600 है, 6 वेरिएशन बनी आपकी, ग्रीन लार्ज भी होगी 100, ग्रीन 100 स्मॉल होगी, ग्रीन 100 मीडियम होगी, 300 होगी ये, रेड 100 होगी लार्ज, रेड 100 होंगी स्मॉल, रेड 100 होंगी मीडियम, मतलब 600 पूरी हो जाएंगी आपकी, मैंने डाला 100 आई है ये भाई, कम ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है स्मॉल कम आई हो तो ऐसा हो सकता है, बट मैं सबको इक्वल डाल रहा हूँ। स्टॉक क्वांटिटी 100 आई है टोटल, 600 टोटल आई है, 100 रेड लार्ज हैं, डू नॉट अलाउ बैक ऑर्डर्स, वेट, और इसकी कहानी छोड़ दो वेट शेट की, इसको बेशक ना डाला करो आप, ठीक है। शिपिंग क्लास सेम एज प्रेजेंट पेरेंट, जो इसके पेरेंट को लगी है वही लगी रहे, शिपिंग क्लास स्मॉल लेवल पे, हम कलर की बेस पे क्लास तो ना चेंज हो सकती, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। ग्रीन मीडियम बताएं जी, ग्रीन मीडियम प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी, यस सर, वो लार्ज है ये मीडियम है, आ जाएं पहले इसका की यूनिट रख दें, VHS ब्रांडेड हाफ स्लीव, GL ग्रीन लार्ज, सॉरी GM ग्रीन मीडियम, मैनेज स्टॉक बिल्कुल करना है। प्राइस इसकी उसकी क्या थी, 1800, इसकी मैंने कर दी 1500, मीडियम 1500 की है, सेल इस पे नहीं है, स्टॉक क्वांटिटी 600 में से 100 ये आई है मेरे पास, वेट शेड को छोड़ दें, सेम एज पेरेंट कर दें, ठीक है, हो सकता है ना इसका मतलब वेट कम ज्यादा हो सकते हैं, तो वो इसलिए ऑप्शन दिया, आप इनको छोड़ दें खाली। कितनी देर लगी ऐड करने में, 2 ऐड कर दी मैंने, ग्रीन स्मॉल के VHS S GS ब्रांडेड हाफ स्लीव ग्रीन स्मॉल, मैंने ये ऐसे की यूनिट डाल दिया इसके लिए, सिर्फ VHS तो इनके पेरेंट का यूनिट है, वो पूछेगा VHS शर्ट पड़ी है, वो कहेगा पड़ी है, वो फिर कहेगा VHS GS पड़ी है, मतलब VHS तो पड़ी है आपके पास, देखो उसमें ग्रीन स्मॉल पड़ी है, फिर वो आपको बताएगा, ये होते हैं ऐसे की यूनिट्स। अनेबल मैनेज स्टॉक बिल्कुल मैनेज करना है, कितनी प्राइस स्मॉल में भाई, 1800 1500, मैंने 1300 कर दी इसकी स्मॉल की, स्टॉक क्वांटिटी 100 आई है मेरे पास, चैलेंज इसको भी मैंने बंद कर दिया, इतनी क्या मैं चीजें डाल रहा हूं इसमें, रेड लार्ज, ओ एक चीज भला रह गई, वो क्या, पहले ग्रीन लार्ज में जाएं, और इसकी इमेज तो डाला नहीं हमने, ग्रीन का लार्ज इमेज भी चेंज करवाना है साथ साथ, मैंने ग्रीन का लार्ज, ग्रीन इमेज आएगा इसकी जगह, मैंने ग्रीन इमेज डाल दिया, देखिएगा ये ग्रीन इमेज डाला मैंने, अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर इसके लिए आपने गैलरी वांट टू ऐड मोर इमेजेस इंस्टॉल एडिशनल वेरिएशन इमेज गैलरी फॉर वू कॉमर्स, मैंने कहा नहीं इसको नहीं मैंने इंस्टॉल करना, अभी मैंने इसको बंद कर दिया, ग्रीन पे मैंने कहा ग्रीन इमेज आ जाए, ग्रीन पे ग्रीन इमेज आ जाए, ग्रीन है अभी तक, ग्रीन इमेज आ जाए ये इमेज, क्योंकि भाई कलर तो ग्रीन ही है मीडियम, अब क्या मीडियम छोटी तस्वीर दिखाओगे उसको, क्या स्मॉल छोटी तस्वीर दिखाओगे, तस्वीर से तो मीडियम और लार्ज स्मॉल ही ना देख सकते, तस्वीर तो छोटी बड़ी हो जाएगी, तो कलर बेसिकली डिपेंड करता है, मीडियम मीडियम होता है, स्मॉल स्मॉल होता है, तस्वीर में दिखाने की उसको जरूरत नहीं होती, बट कलर दिखाने की जरूरत है। रेड रेड लार्ज आ गई, इसका रखें VHS ब्रांडेड हाफ स्लीव रेड लार्ज, ब्रांडेड हाफ स्लीव रेड लार्ज, मैंने स्टॉक बिल्कुल करना है। प्राइस इसकी बताएं, जब मैंने नहीं बतानी, आप लोग बताएं कितनी प्राइस है रेड की लार्ज में,
बिल्कुल, क्योंकि कलर की बेस पे प्राइस नहीं हम चेंज कर रहे, हम मीडियम साइज की बेस पे प्राइस चेंज कर रहे हैं। कलर रेड हो ग्रीन हो वो 1800 का ही है, सेल प्राइस सेल में अभी नहीं हमने लगाना, क्वांटिटी 100 आई है मेरे पास, वेट वेट खत्म किया, मतलब वेट ना दो, ये चीजें ना दो, मतलब देनी होती हैं बट अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। आपको पता है क्या भाई वेट क्या है उस शर्ट का, क्या वेट है अभी आपको तो नहीं पता, तुक्के से 50 डाल दें, तो ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, वेट वो डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता। आप लोगों ने कभी वेट देख के शर्ट ली है कि इसका कितना वजन है? कभी वेट देख के तो शर्ट नहीं ना लिया आपने? पसंद आ गई बस स्टफ देख लिया और बस ऐसे होता ही है। अच्छा जी, यहां पर इसको 1800, 100 और रेड इमेज चूज कर लें, रेड इमेज ये लें जी, ये भी ऐड कर दिया। रेड मीडियम में VHS RM शॉर्ट कोड रखा है इसका, ऐसे की यूनिट, प्राइस इसकी 1500 होगी, लार्ज की 1800 है, मीडियम की 1500 है, क्वांटिटी ये भी 100 आई है मेरे पास, बंद कर दिया इसको बस। रेड स्मॉल, रेड का तस्वीर लें, तस्वीर मेरे ख्याल में पिछले में भी भूल गया लेना, इसमें रेड का तस्वीर लें, क्योंकि तस्वीर तो रेड रहेगा रेड पे ही। रेड स्मॉल VHS RS ब्रांडेड हाफ स्लीव रेड स्मॉल, ये इसका एसएक्यू यूनिट बना दिया मैंने। प्राइस इसकी यहां पर लिखें, ये 1300 की है, मैनेज स्टॉक मैनेज कर दें, क्वांटिटी इसकी भी 100 आई है, 600 पूरी हो जाएगी ना आपकी, देखिएगा टोटल 600 है, 100 ग्रीन लार्ज है, 100 ग्रीन मीडियम है, 100 ग्रीन स्मॉल है, 100 रेड लार्ज है, रेड मीडियम है, रेड स्मॉल है। अब कभी जब आप स्टॉक लेके आते हैं मसाइल हो जाती हैं, मतलब जहां से आपने स्टॉक उठाया है वहां पर उनके पास ग्रीन स्मॉल कम बनी थी, तो भैया कम ज्यादा कर सकते हैं, यहां पर भी ग्रीन स्मॉल वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, ग्रीन और स्मॉल कम थी, हो सकता है कलर जरा कम क्वांटिटी में मिले आपको, तो वो आप मैनेज तो कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये इसलिए है, जो मैंने 100 किया 50 कर दो, ठीक है, तो जो 100 आई है वो फिर 150 हो जाएगी, कोई ना कोई एक उनमें से 150 है, क्योंकि टोटल आप 600 कह रहे हो, अगर एक चीज 50 है तो फिर 150 भी कोई होगी, या 125-25, मतलब पूरी करनी है आपने 600। मैंने सेव चेंजेस कर दिया, दोबारा से आपको बता दूं कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट का नाम लिखा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी और ओशियन WP एक्स्ट्रा, अब ये ओशियन थीम के लिए है, जस्ट बेशक इसको आप देख लें फुल विड्थ करना है, बेशक बंद कर दें इसके बाद। उसके बाद यहां से आपने सिंपल प्रोडक्ट नहीं वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, हमने वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। फिर हम जनरल में चलते हैं, टैक्सेबल है बिल्कुल, कौन सी क्लास लगती है, GST 10, ठीक है, टैक्सेबल है, GST 10 की क्लास लगी। इन्वेंटरी में जाते हैं, शॉर्ट कोड VHS 600 टोटल आई है, बैक ऑर्डर्स, जी जी सर, आप इन्वेंटरी में टैक्स वाली बात करें ना, तो सर वहाँ पे एक GST है, एक सर शिपिंग टैक्स लिखा हुआ, सर प्लीज एक बार बता दीजिएगा, अगर पहले भी बताया फिर बता दें एक बार, शिपिंग ओनली है वगैरह सर, ये चीजें आ रही ना, ये बता दें मुझे। टैक्स स्टेटस भाई, ये जो प्रोडक्ट है आपकी इस पे टैक्स एप्लीकेबल है या टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स पे टैक्स एप्लीकेबल होता है, मतलब पाकिस्तान में तो हर चीज से भाई, माचिस की डिबिया से भी टैक्स लेते हैं ये, बट आप देखें यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो शिपिंग के पैसे लेने हैं इससे सिर्फ जो 100 रुपए या टैक्स भी लेना है, तो मैंने कहा भाई टैक्स भी लेना है इससे, टैक्स एबल, शिपिंग ओनली नहीं टैक्स भी लगता है इस प्रोडक्ट पे, तो मैंने टैक्स भी लिया। अब टैक्स लगता है आपने कहा, तो टैक्स की कौन सी क्लास लगती है, कितने परसेंट वाला टैक्स लगता है? आप पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो जनरल टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो 17% है, बट वो 17 एग्जैक्टली 17 नहीं है, 24 भी है काफी चीज पे, आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिन पे आप 24% टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो, आप पेट्रोल पे टैक्स देख लेना, कम से कम 30% आपका पेट्रोल पे टैक्स दे रहे होंगे आप गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स पूछ रहा है कि इस पे कौन सी क्लास एप्लीकेबल है, ये क्लासेस आपने स्टार्ट में ऐड की थी हमने, जब हमने टैक्स वाला जो वो उसमें किया था ना वो कॉमर्स में, वहां पर हमने ऐड की थी, मैंने 2 की थी, GST 10 और 17। भाई क्लाइंट कहता है मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन पे डिफरेंट टैक्स लगता है, लाइक मेरे पास अगर मेरे गोल्ड की चीजें हैं उस पर इतना टैक्स लगता है, वो भी फिर क्लास इंटर करनी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि मेरे पास भाई ऐसी चीजें हैं उन पे इतना टैक्स लगता है, वो भी क्लास इंटर करनी पड़ेगी।
अगर कहता मेरे पास एलसीडीज है उन पे 13% लगता है तो जीएसटी 13 की क्लास बनानी पड़ेगी। अगर कहता मेरे पास फ्रीजर है फ्रिज है तो वो उस पे जीएसटी 15 लगता है तो 15 की क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है आपको क्लासेस बनाना। इन्वेंट्री में जाते हैं, बैक ऑर्डर शिपिंग में गए, कोई शिपिंग क्लास नहीं लगी थी, यहां पर लगाएं कॉस्मेटिक की। कौन सी लगाएं, मतलब नॉर्मल, ये कॉस्मेटिक है, इसी ने पता नहीं किसने करवाया था, नॉर्मल मतलब करना था हमने। एक होती है हैवीली प्रोडक्ट्स, आपकी हैवी प्रोडक्ट्स, एक होती है नॉर्मल प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स की इस पे लगानी थी हमने शिपिंग ओनली, मतलब 100 रुपया हमने रखा है पर क्वांटिटी का। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें ऐड कर दी, लिंक करना है कोई प्रोडक्ट भाई, इसके साथ कितनी प्रोडक्ट है आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर आ जाएं, ब्लैक BLAC 3 वर्ड लिखे, ब्लैक, आप ब्लैक स्लीव को ऐड कर दें, क्रॉस सेल में भी ब्लैक स्लीव को ऐड कर दें। कोई नोट डालने हैं आप नोट डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है ये, वो है, आपके 3 दिन के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद ना आए। ठीक है, तो यहां पर देखें कस्टमर ऑर्डरिंग पोजीशन, मतलब कोई कस्टमर आए, इसको अभी रहने दें आप बेशक, इस लास्ट वाले एडवांस को आप छोड़ दें, एडवांस हमने अभी भी नहीं किया, मतलब किसी में भी नहीं किया। नीचे आ जाए, अब काम खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन कैटेगरी मेंस क्लॉथ, प्रोडक्ट टैग्स, भाई टैग्स जो मर्जी डाल दें, क्लाइंट को पता होता है क्या टैग्स है, बट हम डाल देते हैं। हम क्या डालते हैं, BRANDE ब्रांडेड शर्ट्स, ये डाला टैग रेड, रेड शर्ट डाल दिया हमने, ग्रीन शर्ट ये डाल दिया हमने, ये तीन हमने ऐड कर दिए। नीचे आ जाए, प्रोडक्ट का इमेज, भाई मेन इमेज क्या आना चाहिए, मेन इमेज आप चूज करें, आप मेन इमेज बेशक ग्रीन कर लें रेड कर लें ये आपकी मर्जी है, तो मेन इमेज में रेड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट की गैलरी में इमेजेस डालें, गैलरी में मैं आपको चूज करवा देता हूँ, सारी इमेजेस डाल देते हैं गैलरी में, 1 2 गैलरी में इमेज डालना है, ऐड इमेज, ये क्या क्यों चूज कर रहे हैं, गैलरी में तो मल्टीपल इमेजेस चूज कर सकते हैं। दो हमने चूज की सर, ये और ये, कंट्रोल प्रेस करके चूज कर लें, दो ऐड होगी, सारी चीजें ऐड होगी, पब्लिश कर दें इस प्रोडक्ट को। एक प्रोडक्ट दोबारा से फिर ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए ये कैसे ऐड कर रहे हैं हम, क्या ऐड कर, प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। जरा प्रोडक्ट की वेबसाइट पे पेज पे चलते हैं, क्लाइंट आएगा, अगर क्लाइंट सारी प्रोडक्ट देखना चाहता है प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा, इस पे इमेज नहीं आया हमारा, ये देखें इमेज चूज करते हैं जाके, वो देखें प्रोडक्ट का इमेज ही नहीं चूज किया था हमने, वो शायद किया था वो किसी वजह से गायब हो गया, अभी आया इमेज, अभी दोबारा से अपडेट पे क्लिक कर दें, वो देखा वो प्लेस होल्डर इमेज आ रहा था उसकी जगह, ये होता है प्लेस होल्डर इमेज, जब कोई इमेज ना आए तो प्लेस होल्डर इमेज शो होता है, देख रहे हैं जी, क्लिक करें जरा इस पे, ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट, ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट आ गया लिखा, लिप्सम आ गया, 1300 से 1800 के दरमियान अवेलेबल है इसकी प्राइस। कलर देखिएगा, मैं ग्रीन करता हूं, ग्रीन लार्ज, तस्वीर ग्रीन होगी, देख रहे हैं ग्रीन होगी, मैंने कहा ग्रीन मीडियम, तस्वीर उतना ही रहेगा लेकिन नीचे प्राइस देख लें, देख रहे हैं 1800, ग्रीन और लार्ज, ग्रीन और लार्ज शर्ट ग्रीन आ गया आपके पास, प्राइस 1800 लार्ज की, मैंने मीडियम किया प्राइस 1500 होगी, मैंने ग्रीन स्मॉल किया प्राइस 1300 होगी, देख रहे हैं प्राइस आपके पास आ गई, मैंने जो ही यहां पर गया रेड किया, देख रहे हो रेड तस्वीर आ गई आपके पास,
आपके पास बाय डिफॉल्ट रेड तस्वीर आ गया, रेड मैंने मीडियम किया 1500 प्राइस, रेड लार्ज किया 1800 प्राइस, ठीक है। अब एक ऑर्डर करते हैं, अगर इसी को किसी की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप, एक प्रोडक्ट दोबारा से ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब जब प्रोडक्ट्स पे क्लाइंट क्लिक करेगा ना, तो उसको ये नहीं सिर्फ शर्ट्स मिलेगी, उसको मेल्स की, फीमेल्स की शर्ट्स, कॉस्मेटिक, हर चीज इधर मिलेगी इकट्ठी। आप यहां पर आके फिर उसको यहां से देख सकते हैं, उसे किड्स में जाना है, उसको वुमेन्स में जाना है, मेन्स में जाना है, मेन्स की क्लॉथिंग में जाना है, यहां से वो फिर क्लॉथिंग में चला जाएगा, क्लॉथिंग से वो यहाँ पे चीजें देख लेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रांडेड टी शर्ट्स को आप यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर सकती हैं, ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट्स इन टू डिफरेंट या थ्री डिफरेंट कर दे, इन थ्री DIFFERENT डिफरेंट कलर्स, इन थ्री डिफरेंट कलर्स, क्लाइंट अप्लाई हो उसमें वो आ जाता है, मतलब यूजर आपका, कि हाँ भी इसमें कलर्स अवेलेबल हैं, शर्ट अच्छा लग रहा है, कलर देखें यार इसमें कलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वो फिर ये टाइटल से आइडिया हो जाता है। तो देखेगा ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट्स थ्री डिफरेंट कलर, क्लिक करेगा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाफ स्लीव टी शर्ट 1300 से 1800 के दरमियान, मतलब उसे पता चल जाएगा ये कि प्राइस चेंज है, मतलब सस्ते में भी है महंगे में भी है। वो कहेगा मैंने ग्रीन में देखना है, ग्रीन पे क्लिक करेगा, ग्रीन में कौन सा देखना है, लार्ज देखना है। देखो ग्रीन इमेज आ गया आपके पास, ठीक है, इमेज आपका ग्रीन आ गया और 1800 प्राइस है। देखो मीडियम में देखूं 1500 प्राइस है, स्मॉल में देखा उसने तो 1300 प्राइस है, उसने कहा नहीं यार मैं रेड ही देखता हूं, रेड पे क्लिक किया, भाई तस्वीर रेड का आ गया, देख रहे हैं तस्वीर आपके पास रेड का आ गया। किसी को इस चीज की समझ ना आई हो तो बताइएगा। अच्छा जी, मैं एक ऑर्डर करता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा यार मैं ये देखिए क्या ऑर्डर किया मैंने, मतलब ग्रीन वाला ऑर्डर किया, ग्रीन मीडियम, ग्रीन मीडियम ऑर्डर किया, एक चाहिए मुझे, दो मैंने कर दिए, चलो दो चाहिए मुझे मीडियम, एड टू प्रोडक्ट कार्ट कर दिया, आ गई। तो मैं यही इसी पेज पे हूं, मैंने कहा स्मॉल में भी दो चाहिए या स्मॉल में मुझे पांच चाहिए, ग्रीन ही स्मॉल में पांच आ गई। फिर मैं वहां पर गया, मैंने कहा मुझे रेड चाहिए, लार्ज में चाहिए और नौ चाहिए, ऐड कर दी, देख रहे हैं ये सारी आपने ऐड कर दी, ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट इन थ्री डिफरेंट कलर्स, आर्स 1500 में, आर्स 1300 में, हाफ टी शर्ट स्लीव आर्स 1800 में, ठीक है, 25700 आपका बिल बना सब टोटल। आप व्यू कार्ट देखने गए, कार्ट में गए, आप कार्ट में पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी यहां पर, ये देखें मैं चेक करता हूं, हाँ ठीक है। अच्छा जी, ओ भाई उसकी रिक्वायरमेंट तो ले लो आप, मैसेज आ गया ना, रिक्वायरमेंट तो ले लो, उसको क्या चाहिए, हाय उसने किया है, आप मुझे मैसेज कर रही हैं, वो उसको आपको जब पूछ कहेगा ना मतलब क्या चाहिए उसको, फिर आप मुझे वो मैसेज करें कि ये मांग रहा है, ये चाह रहा है, मैसेज से आप मतलब वो हो गई हैं। ये है किधर का, पाकिस्तानी है, पूछें क्या मांग रहा है, मतलब पूछें इससे क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ले लें फिर आप मुझे वो दिखाइएगा। अच्छा जी, हमारा ये बिल बना, ये मैंने देखा ये दो ली, ये मैंने तीन ली, देखें लिखा रहा है ना ग्रीन मीडियम ग्रीन स्मॉल,
रेड लार्ज 9-5 टोटल मेरा बिल ये बना। कोई कूपन मेरे पास अवेलेबल है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, मतलब कूपन डाल के अप्लाई कूपन करूंगा, मेरी प्राइस सस्ती हो जाएगी। कूपन भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ। यू मे इंटरेस्टेड इन एक चीज, मैंने को बताई थी ना कार्ट के पेज पे नजर आएगी आपको, वो जो लिंक की थी प्रोडक्ट, मैंने ये प्रोडक्ट मैंने इसके साथ लिंक किया था, ब्लैक शॉर्ट स्लीव, कि अगर तुम ये भी लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। बैक ब्लैक शॉर्ट स्लीव, ये प्रोडक्ट भी मैंने ऐड किया, बट मैंने नहीं लेना, लेकिन मैंने लिंक किया हुआ यहाँ पर आ रहा है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन दिस, बट मैंने नहीं लेना। देखें जी, 25,700 बिल बिना, शिपिंग 1600 डली आपको, शिपिंग टू हाउस नंबर 1 फलां फलां प्लाजा सरगोधा पंजाब 41, ठीक है। मतलब मेरा जो एड्रेस है उस पर जा रही है, अगर मैं एड्रेस चेंज करना चाहता तो मैं चेंज एड्रेस कर दूं भाई, आज मैंने लाहौर भेजनी है, सरगोधा नहीं भिजवानी, ठीक है, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। टैक्स कितना डला? 2570 रुपये। टोटल बिल कितना बना? 29,870 रुपये। प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। मैंने कहा ठीक है ऑर्डर प्लेस करें। हैव यू कूपन? अगर कूपन है तो यहां पर अप्लाई करने के लिए यहां पर क्लिक करें। कूपन नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल, हाउस नंबर फलां फलां फलां, इधर आ गया टोटल बिल मेरा बन के यहां पर, कैश ऑन डिलीवरी है, मैं डिलीवर कर देता हूँ। मैंने प्लेस ऑर्डर किया, जो ही ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया तो देखिएगा क्या होता है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। बट एक चीज आपने नोट की, जहां पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, सॉरी योर सेशन हैज बीन एक्सपायर, ऑर्डर हो चुका है। अच्छा जी, ऑर्डर हो चुका है, वहां पर वो पेज आया था मेरे पास ऑर्डर का, ये देखिए ऑर्डर नंबर है 574। अब मैंने कहा यार ऑर्डर को ट्रैक करूं, ट्रैक ऑर्डर्स में जाता हूँ, ऑर्डर नंबर यहाँ पर 574, यहाँ पर अपना डाला ईमेल, ट्रैक मुझे बता देगा प्रोसेसिंग में या कितना ऑर्डर है आपका, देख रहे हैं। क्या करना है इसको, क्या जो जो लिंक इसने शेयर किया क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, कह रहा है कि जी स्लाइडर चाहिए इसको, इस पर क्लिक करें। रहने दें, पाकिस्तानी है, ये स्लाइडर बनेगा भी नहीं आपसे इतनी जल्दी, ये पता नहीं किस प्लगइन से आता है, मुझे नहीं पता, ये ना ही मैंने बनाया है, तो ये पाकिस्तानी है, वो खुद सेलर है, तो इसने आगे करके देना होगा किसी को, इसको खुद काम मिला होगा। बस इसको रिप्लाई ना करें आप, वो दो ऑर्डर उसने खुद कंप्लीट किए हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, ये मेरा ऑर्डर ट्रैक हो गया, ये देखिए यहाँ पर, ये पाकिस्तानी, इंडियंस और बंगाली, इन लोगों से बचें जितना बच सकते हैं, तमीज के साथ इनको बात करते हैं। सॉरी आई एम लिटिल बिट बिजी, मैं नहीं आपका, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। आप इस तरह का इनको रिप्लाई कर सकते हैं, इनसे बचें जितना बच सकते हैं आप। मैंने किसी पाकिस्तानी से नहीं काम किया, मैंने दो इंडियन से काम किया, और दोनों ने ही मतलब सही वाला जलील किया आप कह लें कि, दोनों ने ही, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम सर, करवाना जो उनको किसी, जी, सर वो भी इंडियन ही था। कौन सा? आपके साथ? जी सर, तो इंडियन था, मतलब इंडिया से था, वहां पे लिखा आ रहा था।
यस सर, सिंगापुर आ रहा था। तो सिंगापुर इंडिया में है? इंडिया में ही है सर। सिंगापुर इंडिया में किधर आ गया? सिंगापुर कंट्री है खुद? सर उसका नाम भी श्रीकांत था। तो रहे हिंदू तो किधर भी, यहाँ पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, यूएसए में बैठे हैं। तो नेचर नेचर का बड़ा असर होता है, कंट्री कंट्री, गरीब अमीर। अब जो जो इंडियन जो मुसलमान मतलब उधर बैठा है जाके, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड में, वो अमीर पाकिस्तानी है। आपको भी पता होगा जो अमेरिका के अंदर बैठा है वो अमीर अमेरिकन है, उनके लिए डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पाकिस्तानी बंगाली और इंडियंस को पता है कि डॉलर कितने बनते हैं, एक डॉलर कितने का है। तो उनके पास पैसा ज्यादा है जो उधर बैठे हैं। बट ये कि डर एक होता है कि आप इनसे काम ना करें, हो सकता है कितना ही अच्छा बंदा हो, अंग्रेजों से भी अच्छा हो इंडिया में, तो वो एक वो दाग बैठी होती है जो, वो तो है ना। फिर कोशिश करें कि बचें इनसे, बट अगर लेना चाहते हैं तजर्बा तो भाई चस्का ले ले, मैं तो नहीं रोक रहा आपसे। आप करें इनसे बात, इनके ऑर्डर मतलब ले सकती हैं आप। स्टार्ट में आप ले सकती हैं स्टार्ट में, क्योंकि आपको इतना अकाउंट का इश्यू नहीं होता। नहीं तो भाई सीधा ये काम भी करवा लेते हैं और कह देते हैं जी इसने मतलब काम नहीं किया, ये बैन भी करवा देते हैं। मतलब जो है ना वो आपके फाइवर अपवर्क प्लेटफॉर्म्स बायर फ्रेंडली होते हैं, बायर को काम करवाने वाले को तरजीह देते हैं, बेशक वो $5-$10-$15 का बायर हो। हमने ये ऑर्डर किया, ऑर्डर ट्रैक किया, ऑर्डर हो गया। अब हम चलते हैं एडमिन में, देखिएगा ऑर्डर्स में एक ऑर्डर आया पड़ा होगा। अगर हम जाएं वो कॉमर्स ऑर्डर्स में जाएं तो एक ऑर्डर आया पड़ा है, देख रहे हैं आप। प्रोसेसिंग में है, 6 मिनट पहले इस कस्टमर ने दिया है। अब यहां पे आ जाएं, प्रोडक्ट्स में चलते हैं, यहां पर क्लिक करें। मैं लेता हूं ग्रीन स्मॉल, कितनी पड़ी है स्टॉक के अंदर? 95, 5 बिक चुकी हैं, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। कार्ट में कितनी पड़ी है? 95 पड़ी है कार्ट में, ठीक है। PHSGH वो आपका लिखा आ गया यहां पर, ब्रांडेड हाफ स्लीव ग्रीन स्मॉल क्लॉथ मेंस, ब्रांडेड टी शर्ट ग्रीन टी शर्ट्स रेड शर्ट्स वो आपकी आ गई। इंफॉर्मेशन ये देखें, कलर ग्रीन रेड है, साइज आपका लार्ज मीडियम स्मॉल आ गया, रिव्यू इस पे कोई भी नहीं। रिव्यू देना चाहते हैं इस पे रिव्यू दे दें आप, क्योंकि आपने परचेज किया हुआ, देख रहे हैं जी रिव्यू आपके पास आ जाएगा। ये देखें रिव्यू वाली आपकी इधर आ गई है, बेस्ट सेलिंग प्राइस में आ गई है, ऊपर आ रही है, ठीक है। तो रेटिंग वाले भी आप देख सकती हैं। अच्छा जी फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टर आपको मैंने कहा था फिल्टर कर सकती हैं। देखें R800 से 15 के दरमियान शर्ट्स चाहिए आपको, देखनी है तो ये देखें 1150-800 में 2 शर्ट्स आपको मिल रही हैं। अब प्रोडक्ट्स में जाएं, सर्च करें यहां पर HAF हाफ एस हाफ स्लीव, एंटर कर दें। नो प्रोडक्ट्स, ये क्यों नहीं आई? स्पेल ठीक लिखे हैं हाफ स्लीव के, स्लीव का ई नहीं डाला, देख हाफ स्लीव वो फिर इसलिए नहीं है, ई नहीं ना डाला शर्ट के नाम में। मैं प्रोडक्ट्स में जाके इसको अपडेट कर सकता हूँ,
प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में चला गया मैं, ऑल प्रोडक्ट्स में जाके ये देखें एडिट पे क्लिक करता हूँ, क्यूक एडिट भी आप कर सकते हैं, क्यूक एडिट पे आया, स्लीव का स्पेलिंग ठीक कर दिए, ये लें जी, और नीचे जाके अपडेट कर दिया, तो ये फिर अपडेट हो जाएगी यहीं से। तो अब मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो पूरा आपका सी आएगा, वो हाफ स्लीव है ही नहीं थी तभी कोई प्रोडक्ट आई नहीं। अब मैं हाफ स्लीव सर्च करता हूँ, आपको जस्ट हाफ स्लीव वाली प्रोडक्ट नज़र आएगी, एक देख रहे हैं ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट, मीडियम लार्ज स्मॉल, वो सारी चीज़, ऐड टू कार्ट का बटन बंद पड़ा है, ठीक है, क्यों, प्रोडक्ट के ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, ग्रीन चाहिए, बंद पड़ा है, लार्ज किया तो बटन आपका एक्टिव हुआ, देख रहे हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड हो गया हमारा। भाई दोबारा ऐड करके दिखाऊं एक और वेरिएबल प्रोडक्ट, या ठीक है नेक्स्ट चलें आगे। एक और आपको वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊं कि ओके ओके बाय बाय। ठीक है सर। ठीक अच्छा प्रोडक्ट्स में चलती है इधर से, दोबारा से आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ, हम जरा कैटेगरी चेंज करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं पी आर ओ डी प्रोडक्ट्स इमेजेस, यहाँ से प्रोडक्ट की इमेजेस हम लेते हैं किसी और चीज़ की, और उसको हम ऐड करते हैं, शूज़ की वैसे हमारे पास हैं तो शूज़ की हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कॉस्मेटिक की ऐड कर सकते हैं, ये देखें ये आ गई है, आप इस पे क्लिक करें, आप इसको ऐड कर सकते हैं, नीचे इसके रिलेटेड आ गई हैं कॉस्मेटिक की, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको सेव कर लें आप, डेस्कटॉप क्या नाम होता है भाई इसको इंग्लिश में, प्रोडक्ट वन क्या रहते हैं, अच्छा जी ये प्रोडक्ट्स तीन इमेजेस हमने ले ली हैं, अच्छा जी चलें बस इतना ही ठीक है, ये हो गया, फिर हम लेते हैं बैग्स की, चलें जी बैग भी हो गया, हम फिर लेते हैं शूज की, एड प्रोडक्ट में चलते हैं, अच्छा जी कोई भी इसका नाम लिखते हैं जी, लिपस्टिक्स फलां फलां फलां, ठीक है मैंने ये नाम लिख दिया, लिप्सम से मैंने कॉपी किया डाल दी, नीचे ओशियन डब्ल्यू पी में आके मैंने फुल विड्थ इसका जो लेआउट सेलेक्ट किया, वेरिएबल सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, टैक्सेबल है बिल्कुल,
जीएसटी 10 अप्लाई हो इस पे। इन्वेंट्री में जाएं, मैंने स्टॉप करना है इसको। जी लिपस्टिक क्या जी, एल एस मैनेजमेंट 200 आई है मेरे पास टोटल, 10 रह जाए तो बताइएगा। शिपिंग, शिपिंग क्लास लगती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। लिंक करना है प्रोडक्ट को, लिंक करें ना करें ये आपका इशू है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स में आ जाएं। एट्रीब्यूट देखिए, आप इसको स्मॉल और लार्ज नहीं होता इसका, कॉस्मेटिक का कलर हो सकते हैं, मतलब ग्रीन वो लेने आपने, क्या कहते हैं ये जो आपकी लिपस्टिक है, या ब्लू में लेना। मैं कलर जस्ट ऐड करता हूँ, मैंने कलर ऐड किया। कलर में कौन कौन से कलर है, एक रेड कलर की हमारे पास है, एक फॉर एग्जांपल तस्वीरों में कैसी है हमारे पास, ये तो होगी रेड, इसको कह रहे थे ब्लैक, ठीक है, एक रेड और एक ब्लैक, दो हमारे पास है। ये चीजें हमने पहले से ऐड की हुई है, ये जो एट्रीब्यूट्स हमने पहले से ऐड किए हैं। मैंने इस प्रोडक्ट में जस्ट दो कलर ऐड किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास तीसरी भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बेशक आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस में जाए ना आप यहाँ पर, सॉरी मैं वही प्रोडक्ट के जो है निकाल लेता हूँ यहाँ से। री ओपन क्लोज्ड, तो यहाँ से भाई सर्च कर लेते हैं हम ब्लैक लिपस्टिक। मेरे ख्याल में स्पेलिंग ही गलत है, लिपस्टिक ये आ गई भाई ब्लैक वाले। सेव इमेज करें, अच्छा नीचे देखें और भी आई होंगी। तो हम इनमें से किसी को भी ब्लैक कह लेते हैं। या उसी को ब्लैक कह लें। आ जाएं जी, ऐड कर रहे हैं हम प्रोडक्ट ब्लैक, दो हमने ऐड करना, तीसरी और ऐड कर लें, कोई ब्लू भी होती होगी, नहीं ब्लू तो खैर नहीं होती, रेड और ब्लैक दो ऐड कर लें, वाइट तीन ऐड कर, मतलब आपके पास तीन किस्म की ये लिपस्टिक है। यूज फॉर वेरिएशन करें, सेव एट्रीब्यूट कर दें, तीन वेरिएशन आपने ऐड कर दिए, तीन एट्रीब्यूट आपने ऐड कर दिए। अब जो ही आप वेरिएशन पे जाएंगे वो पूछेगा कितनी ऐड करनी है, अब यहाँ पे आ जाए, आपके जितने बनाए हैं ना उतने ऐड कर दें, तीन का तीन ऐड हो जाएगा, तीन वेरिएशन ऐड हो जाएंगी आपकी। देखें जी, ब्लैक में जो आ रही है उसका इमेज लें पहले, अपलोड में जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, ये पड़ी ओ इमेज की फाइल ही और है, आप मसला करेंगे मेरे ख्याल में, ये प्रोडक्ट इसको ब्लैक कह लेते हैं। ओए होए इनकी फाइल और है, अपलोड नहीं हो पाएंगी ये, इसको करें ज़रा, नहीं भाई जेपीजी चूज करनी थी और ये सारी फाइल्स ही हैं हमारी और आ गई। अच्छा जी, पी आर ओ टी प्रोडक्ट्स इमेजेस जेपीजी, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कोई जेपीजी चूज करते हैं, इमेजेस में चलते हैं, टूल्स में चलते हैं, साइज चाहिए हमें मीडियम या लार्ज, एनी साइज करते हैं, देखिए टाइप चाहिए हमें, हमें 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 सॉरी टाइम भी, कलर भी नहीं।
ये क्या हुआ, नेट ही नहीं चल रहा, क्लिक टेस्ट पे एकदम से नेट स्लो हो गया मेरे का। देखें जी हमारे पास ठीक है नहीं, इसको हम कह लेते हैं ये रेड, सेव इमेज किया। रेड पी डेस्कटॉप पे, रेड पी इसका नाम जो मर्जी दे दें, रेड पी आप। अब क्या पास आ गई यहाँ पर, चल मेरे भाई ब्लैक में दो ऐड कर दे ब्लैक। डेस्कटॉप पे जाएं, ब्लैक ऐड करें, ब्लैक ही ऐड कर रहे हैं हम आई थिंक, तो ब्लैक में हमने ये ऐड कर दिया। कितने की है ये, 2500 की। वेट प्राइस सेल कोई नहीं लगी इस पे। मैनेज करना है स्टॉक, बिल्कुल मैनेज करना है। टोटल हमने कहा 200 आई थी, 100 ब्लैक में, ऊपर हम जाके इन्वेंट्री में डाल सकते हैं टोटल 200 आई थी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे रखा इस 100 ब्लैक में, मैंने इसको कर दिया बंद। वो तीन ऐड किए हमने, चलें इनको 50-50 कर दें। अपलोड में जाते हैं, ये रेड भी आ गई, मैंने स्टॉक किया। कितने की है ये, 1900 की है, 2900 की है, 50 50 स्टॉक की क्वांटिटी है इसकी। वाइट भी होती है कोई, वाइट में हम क्या करें, अपलोड फाइल में जाते हैं, वाइट में हम कोई और ऐड कर देते हैं, वाइट में ये बैग ऐड कर देते हैं, क्वालिटी ओवर। वाइट में हम ये ऐड कर देंगे, ये भी कोई और ही। वो हमने फाइल्स का जो है ना कंटेंट में चलते हैं यार, वाइट जब वो सर्च करे तो ये आनी चाहिए, इमेज ही चेंज करना है ना हमने, बस हमने ये ऐड कर दिया। सेव कर दें सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डाल दें। वुमन्स देख रहे हैं, वुमन्स कॉस्मेटिक, वुमन्स की कॉस्मेटिक है, टैग डालने हैं वुमन्स कॉस्मेटिक। इमेज सर्च करना है, यही लेने बेशक। गैलरी इमेज चाहिए, ये ले लें गैलरी में, चलें पब्लिश करते हैं इसको। प्रोडक्ट्स में चले गए, अब प्रोडक्ट के पेज पे आपको सारी चीजें इकट्ठी नजर आ रही हैं, लिपस्टिक और वो सारी चीजें। अब क्लाइंट ढूंढना चाहता तो वो प्रोडक्ट्स पे आएगा, वुमन्स में आएगा, मतलब यूजर वुमन अगर कोई आपकी वेबसाइट पे है तो वो इधर आके सर्च कर देगी, या लिखे कि ब्लू मतलब ब्लैक लिपस्टिक, वो कुछ भी लिख सकती है। तो उसके पास जब वो आई यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसके पास एक प्रोडक्ट आ गया। जब उसने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये उसके पास प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस आ रही हैं, 2500 से 2900 के दरमियान है। ओ सॉरी, वाइट वाली का हमने कलर ही नहीं ऐड किया, वो एक प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया हमने, मतलब वो चीज़ें एक की ऐड ही नहीं किया हमने। चलें उसको छोड़ें, रेड में 2900 की है, ब्लैक इमेज चेंज हो गया ब्लैक में आपका, 2500 की है, रेड 2900 की, ब्लैक 2500 की। ऐड टू कार्ट करें इनको, कार्ट में ऐड होंगी, व्यू कार्ट करें, कार्ट व्यू हो जाएगा, और यहां से प्रोसीड टू चेकआउट करें, आपका ऑर्डर के पेज पे ले जाएंगे ये।
ठीक है, और प्लेस ऑर्डर कर दिया। आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, देख रहे हैं। और 500 बिल बन कैश की डिटेल सारी आ रही हैं, क्या क्या आपने ब्रांडेड हाफ स्लीव 17,500 की, आपने दो लिपस्टिक है और आप हो चुके हैं। और इधर जी एडमिन खुश हो जाएगा, जी मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑर्डर्स में चला जाइए, यहाँ पे अब इसको दो ऑर्डर मिलेंगे प्रोसेसिंग में। यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों इसने डिलीवर किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, को कंप्लीट करके अप्लाई कर देगा। अच्छा जी, कस्टमर्स में जाएगा, एक ही कस्टमर ने परचेज की है, देख रहे हैं। और यहाँ से सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स कितने इसके पास टोटल कस्टमर है, एक ही है, वो रिपोर्ट्स में जाती हैं। जितनी मंथली देखें, सेल्स बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट की सेल देखना चाहते हैं, देख रहे। टॉप सेल सबसे ज़्यादा बिकी है वो जो है ब्रांडेड हाफ स्लीव टी शर्ट्स, 24 बिकी हैं, लिपस्टिक फला फला 7 बिकी हैं, ठीक है। इसी मंथ की देखना चाहते हैं, ये आ जाएगा। अब आज आज की देखना चाहते हैं, फरवरी 24 से वो कर दें, फरवरी 24 की आज आपकी क्या बिकी, लिपस्टिक फलां फलां और ब्रांडेड टी स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, वो पिछली नहीं आपको नजर आएंगी, क्यों, आपने आज की रिपोर्ट मांगी है जस्ट। तो क्लाइंट यहाँ पर हर चीज़ की एक्सपोर्ट CSV कर देंगे, आपको फाइल एक्सपोर्ट होकर मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी को भेजनी भी है सर आज की रिपोर्ट, की कल की रिपोर्ट, ये ठीक है जी। कूपन्स बाय डेट, कूपन आपने ऐड नहीं किए, ठीक है, तो कूपन्स को भी ऐड करके देखते हैं जी। हम चलते हैं कूपन्स में, बल्कि कूपन से पहले हमने वो भी ऐड करनी है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वो भी तो ऐड करनी है ना। एनालिटिक्स की ओवरव्यू में आपको चला जाते हैं, दिखाते हैं जी ये आपकी परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स की सारी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगी। नेट सेल, ऑर्डर्स कितने हैं, मंथ डेट, 8,850, टॉपिक प्रोडक्ट, आइटम सोल्ड, के आइटम सोल्ड हुए हैं, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, कब से कब तक की, मंथ की, डेट की, व्यू की, कस्टम लेना चाहते हो। फिर प्रोडक्ट्स में चले जाओ, आपको सारी आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी, उनकी डिटेल नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं जी, 34 बिके हैं, नेट सेल कितनी है, 4 ऑर्डर आपने मतलब आज तक आपके पास आए हैं, सारी आपको डिटेल यहाँ पर मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ कितना कितना बिकी है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। फिर एनालिटिक्स के रेवेन्यू में जाते हैं, आपका पूरा रेवेन्यू आ जाएगा, कितने पैसे आपने, ग्रॉस सेल कितने आपका, ठीक है, ग्रॉस सेल 60,850, रिटर्न, कूपन्स, नेट सेल्स, टैक्सेस 6,050, शिपिंग के 3,400 कमाया, टोटल सेल्स, वो सारे डिटेल आपके आ जाए। ऑर्डर्स कितने थे, ऑर्डर आपके पास 4 थे, 4 ऑर्डर हैं, नेट सेल्स उनकी कितनी बनी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, पर ऑर्डर कितना आपकी एवरेज वैल्यू बनी, एवरेज आइटम्स पर ऑर्डर, 9, एक ऑर्डर में 9 आइटम्स आपके पास आए, आपके हिस्से में आए। वेरिएशंस पे चले जाएं, जब वेरिएशंस पे आए तो यहाँ पर आपकी वेरिएशंस की चीज़ें सारी आ जाएंगी। वेरिएशंस में आपकी कितनी चीज़ें सोल हुई, सेल हुई, आइटम्स सोल्ड 31 आइटम बिके आपके, ठीक है, 57,000 सेल हुई 2 ऑर्डर में से, ये जो आज की हमने, वो सारी डिटेल आपके नीचे आ रही है। 1,600 में क्या बिका, ग्रीन बिका 9, और सॉरी रेड लार्ज 9 बिकी, ग्रीन लार्ज 8 बिकी, लिपस्टिक 7 बिकी, BHSGS ग्रीन स्मॉल 5 बिकी, तो वो सारी डिटेल आपकी आ रही है 31 की। कूपन्स पे आ जाएं, अभी तक कोई कूपन आपने क्रिएट ही नहीं किया था, ठीक है, तो आपका कोई कूपन यहाँ पर
आया भी नहीं। स्टॉक में चले जाएं, आपने कहा स्टॉक में जाऊं देखूं तो सही, क्या क्या कौन कौन सी कितनी कितनी रह गई हैं। ठीक है, ये 200 पड़ी हैं, लिपस्टिक फलां फलां वाइट, कोई भी नहीं बिकी। लिपस्टिक रेड 50 पड़ी हैं, अच्छा मसला आ रहा है आपका, भला कहाँ पे? लिपस्टिक फलां फलां वाइट, हमने इनको वहां लेवल नीचे जाके हमने चीजें नहीं दी थी इनको, हमें वहां पर भी जाके देनी चाहिए थी ये चीजें। तो ये बाकी चीजें ठीक कर रही हैं, 93-95 जो कम रह गई हैं, 200 की 200 ही आ रही हैं लिपस्टिक। तो ये इस चीज को आपने देखना है। डाउनलोड्स में चले जाएं, कोई अभी हमने डाउनलोडेबल प्रोडक्ट नहीं किया। स्टॉक आ गया, सेटिंग में चले जाएं, देखिए एनालिटिक सेटिंग, पेंडिंग पेमेंट कैंसल्ड फेल्ड, अगर और भी ऐड करना चाहते हैं आप और भी ऐड कर दें। होल्ड कंप्लीटेड प्रोसेसिंग, ऑर्डर्स विद दी स्टेटस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इन योर रिपोर्ट्स, इनके बगैर आपका रिपोर्ट आएगा ना, जो पेंडिंग पेमेंट है वो भी नहीं रिपोर्ट में शामिल होगी, कैंसल भी रिपोर्ट में नहीं शामिल होंगे, फेल्ड भी रिपोर्ट में नहीं शामिल होंगे। ठीक है, एक्शन एबल स्टेटस प्रोसेसिंग या होल्ड, आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आपको पढ़ के कुछ मतलब ई कॉमर्स का भी नेट से पढ़ सकते हैं, हमारा कोर्स तो नहीं है बट आप पढ़ सकते हैं, पर पढ़ के इस चीज़ का आपको सबका पता चलेगा, ग्रोस वैल्यू क्या होती है वो सारी चीज़ें। वो कॉमर्स होम ऑर्डर्स कस्टमर रिपोर्ट सेटिंग स्टेटस एक्सटेंशन, यहाँ पर आगे मार्केटिंग में चलते हैं, मार्केटिंग को छोड़ें, कूपन्स में चलते हैं, ऐड कूपन, कूपन आप अपना पहला बनाना चाहते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। ठीक है, आप यहाँ पर कूपन डाल सकते हैं, कूपन का नाम क्या जी, आप कहें ईद गिफ्ट फला फला। ठीक है जी, कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिस्काउंट कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट कर रहे हैं, तो मैं फिक्स्ड परसेंटेज डिस्काउंट किया, कूपन अमाउंट 100 200 डिस्काउंट कर दिया, ये देखें यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ द कूपन। अलाउ फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग इस पर अलाउ कर दें, कूपन एक्सपायरी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यूजर्स रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लिमिट पे आपका कूपन लगे वो आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स यूज ओनली, एक बंदा जस्ट इस्तेमाल, चेक दिस बॉक्स इफ कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन्स, अगर एक कूपन है तो एक ही चलेगा, मल्टीपल नहीं चलेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड सेल सेल आइटम्स, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन शुड नॉट अप्लाई टू आइटम्स ऑन अ सेल, पर आइटम कूपन विल ओनली वर्क इफ द आइटम इज नॉट ऑन अ सेल, कूपन उस वक्त चलेगा जब आइटम सेल पर नहीं होगा, अगर ऑलरेडी सेल लगी है तो कूपन हम चाहते हैं ना मिले उसको, तो नमाज के बाद इसको करते हैं, मेरा तो दिल है क्योंकि ऐड करते जाएं। ये समझाना है आपको थोड़ी सी चीज़ें, कुछ एक्सक्लूड कैटेगरीज, किस किस कैटेगरी पे नहीं लगता है ये कूपन। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी किस कैटेगरी पे लगता है ये कूपन, ये देखें यहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरीज दैट द कूपन्स विल बी अप्लाइड टू आर दैट नीड टू बी इन द कार्ट इन द ऑर्डर ऑफ द फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट अप्लाइड, तो ये क्या है? सारी चीज़ें ये पढ़नी पड़ेंगी हमें, लिमिट, अगर कोई लिमिट डालनी है। ठीक है, यूजेज पर कूपन, एक कूपन का कितना यूजेज होना चाहिए यहाँ पे आ जाए, हाउ मेनी टाइम्स दिस कूपन कैन बी यूज्ड बिफोर इट इज वाइड, कितनी दफा ये कूपन इस्तेमाल कर सको पर पर्सन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स दैट कूपन कैन अप्लाई टू व्हेन यूजिंग प्रोडक्ट डिस्काउंट, लीव ब्लैंक टू अप्लाई ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स, कितनी प्रोडक्ट्स पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, तो पूरी चीजें वो आपकी आ जाएंगी। तो अभी जो बनाया छोटा सा इसी को हम ईद गिफ्ट के नाम से कूपन है उसको हमने ऐड किया है, देखिएगा फिर। तो किड्स में तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं आएंगे भाई, प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, ऐड किया मैंने, चेकआउट में चला गया, कूपन को ऐड करना है, ईद GIFT गिफ्ट अप्लाई कूपन किया,
देखिएगा जी, 1150 टोटल है, कूपन फ्री शिपिंग कूपन रिमूव 1100, आठ सौ आपकी वो आ गई, क्या कहते हैं उसको, फ्लैट रेट का आ गया 1250 हो गया, टैक्स आ गया आपका 1350, 1365 हो गया। कूपन ने क्या फायदा दिया हमें? कूपन ने जस्ट शिपिंग को रिमूव किया, शिपिंग टू द फ्री शिपिंग कूपन रिमूव। पैसे टोटल बने, वो अंदर से सेटिंग करने वाली है, इसकी सेटिंग करते हैं, माज पढ़ लें, सारी अगली चीज़ की सेटिंग करेंगे। 1150 का प्रोडक्ट है, 100 इस पे भाई वो लग गया आपका, शिपिंग लग गई 1250 हो गया, टैक्स 115 बना आपका, 1365 हो गया, 1365 टोटल आ रहा है। तो आपने क्या दिया इसको, यहाँ पर आए ज़रा, ईद गिफ्ट फला फला, परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए, कूपन अमाउंट ही नहीं डाली भाई, यहाँ पर आ जाए 200, वही मैं कहूँ। जी जी कूपन का 200 है, क्या कह रही हैं आप सर? जो कूपन की आपने प्राइस यहाँ पे मेंशन की है, जी, तो सर ये मतलब के क्या इसका मकसद है कि 200